हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। आप लोग को याद है कि पिछले क्लास में हम लोग एसिड और बेस को कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, याद है ना? ये जो हमारा चाइना रोज पेटल हो गया, कि लिटमस पेपर हो गया, टर्मेरिक हो गया, ये हमारा जो है ये सबको यूज करके जो हमारा नेचुरल जो इंडिकेटर है इसे यूज करके कैसे हम लोग टेस्ट करते थे, ये तुम लोग को याद होगा ज़रूर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूट्रलाइजेशन, और ये तुम्हारा जो चैप्टर 5 जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है इसका दूसरा क्लास है, सेकेंड क्लास। तो ये तुम्हारा हो गया पार्ट 2 इस चैप्टर का। तो देखो, हम लोग देखा कि एसिड सब हमेशा ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर में, जो कि रेड रेड कलर का आता है, और बेस जो रेड कलर का होता है, सॉरी जो बेस जो है ब्लू कलर का जो है वो हमारा रेड हो जाता है। तो आपका दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि अगर हम एसिड और बेस इन दोनों को हम लोग अगर मिला दे तो इससे क्या होगा? हाँ, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस दोनों को मिलाने से क्या होता है। एसिड और बेस को हम मिला देंगे तो इस जो टेक्निक्स जो है, ये दोनों को मिलाने का जो टेक्निक्स है, इससे बोलते हैं फिनोल पेथेलिन। ये फिनोल पेथेलिन टेक्निक से हम लोग कैसे एक नया प्रकार का एक सोलूशन, नया चीज निकालेंगे, ये हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग में ही तुम्हारा एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी तुम्हारा जो फाइव इसको हम डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग को, आगे पता चल जाएगा। ये तो है कि हमारा क्लास में क्लास में ये तुम लोग को करके दिखाना चाहिए, लेकिन अभी तो तुम लोग को मालूम ही होगा ये कोरोना पेंडेमिक के वजह से ये संभव नहीं है। मैं फिर भी तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो दो टेस्ट ट्यूब ले जाइए, और टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में तुम लोग क्या करो कि 1/4 एक चौथा हमारा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए। डिल्यूट का मतलब होता है जो लिक्विड वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम लोग उसमें एक चौथाई भर दीजिए। एक में पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है? और इसको भरने के बाद तुम लोग ये ध्यान रखो कि इसका कलर क्या है, ठीक है? इसका कलर क्या है, देन नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल पेथिलीन सोल्यूशन ऑल्सो। और एक जो सोल्यूशन है जहाँ पे हम दो चीज मिलाया हुआ है, जो एसिड और बेस, इन दोनों को जब मिला के जहाँ पे हम ये और एक टेस्ट ट्यूब में जो मिला के जो नया सोल्यूशन तैयार किए थे उसका जो कलर है इसे भी तुम लोग नोट कर लो, ठीक है? देन अब शुरू करते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें तुम लोग 2-3 ड्रॉप का जो है, जो हमारा इंडिकेटर जो बनाया हुआ है दोनों, उसको मिला दो और अच्छी तरह से उसे सेक कर लो, ठीक है? तो तुम लोग क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कलर चेंज हो रहा है कि कुछ भी चेंज दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब तुम लोग कुछ एसिडिक सॉल्यूशन जो है,
हमारा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है इससे भी थोड़ा वहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लो, जो हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर ही अच्छी तरह से मिला लो। तो अब क्या तुम लोग चेंज दिख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड तुम लोग उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक उसे डालो जब तक कि इसका जो कलर है वो हमारा पिंक नहीं हो जाए। जब तक ये वाला पिंक ना हो जाए उसके उस माने जब तक पिंक ना हो जाए तुम डालते रहो, ठीक है, हो गया। अब फिर क्या करो, तुम जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फिर से डालो। पहले से तो थोड़ा था उसके तुम लोग डाले थे एसिड जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड डाले थे, इसमें तुम लोग हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है एसिड को फिर से डालो। तुम डालते रहो फिर मिक्स करो, तुम लोग क्या दिख रहे हैं कि ये जो कलर था पिंक जो हो गया था ये फिर से कलरलेस हो गया। कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छा फिर से कलरलेस हो गया ना, फिर से तुम लोग सोडियम क्लोराइड जो है जो हमारा बेस है उसे फिर से डालो, फिर देखो क्या, फिर देखो कि फिर से वो पिंक कलर हो गया। तो ऐसा चलता रहेगा, इसका मतलब ये कि जो हमारा बेस है वहाँ पे अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो वो दोनों मिल के एक के न्यूट्रल होके वो कलरलेस हो जाता है, और फिर से वहाँ पे बेस डालेंगे तो फिर से फिर कलर हो गया, फिर से पिंक कलर हो जाएगा। तो इट इज इविडेंट दैट When the solution is base, जब बेस होता है जो फिनोल पिथेरिन गिव्स ए पिंक कलर, जब हम न्यूट्रल वाला जो सोल्यूशन है जहाँ पे हमारा बेस और एसिड दोनों को जो हम डालेंगे तो ये पिंक कलर हो जाता है, और जब सोल्यूशन एसिडिक होता है वहाँ पे हम लोग फिनेल पिथालिन जो डालेंगे, जैसे कि दोनों मिला के डालेंगे तो इसमें क्या होगा, फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एसिडिक जो है और फिनोल मिथालिन हम जब डालेंगे तो वहाँ पे एसिडिक का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसका कलरलेस हो जाएगा। और बेस पे जब हम फिनोल पिथालिन डालेंगे तो उसका क्या होगा, जो बेस का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो पिंक कलर हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो हम जब भी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली उतना ही मात्रा में बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो होता है न्यूट्रलाइज ईच अदर। हमारा बेस इफेक्ट करता है एसिड को, एसिड इफेक्ट करता है बेस को, ठीक है। इससे हम लोग ये समझते कि जब भी हम बेस सॉल्यूशन और एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे तो उसका जो बेस का जो नेचर है, ठीक है, ये जो बेस का जो नेचर है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसे भी उल्टा भी होता है, जैसे कि हमारा एसिड में अगर बेसिक डालेंगे तो
एसिडिक जो नेचर है वो भी टोटली नष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के एक नया सोल्यूशन निकलता है, एक नया चीज निकलता है। ये देखो, ये तुम्हारा जो ये जो टेस्ट है, इसमें तुम लोग क्या ऑब्जर्व किया कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ और एक चीज, हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस में जो रिएक्शन होता है, इसमें ऑलवेज हीट प्रोडक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तुम लोग जितना ज्यादा तुम लोग मिक्स करोगे, दोनों की रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। ये कमान है, ये इसका नेचर है। ठीक है, अब तुम लोग ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एक नया चीज फॉर्म हुआ, एक नया सब्सटेंस जो क्रिएट हुआ, इसे हम बोलते हैं सॉल्ट, जो है हमारा नमक। और ये जो सॉल्ट है ये, हाँ ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और दोनों का मिला हुआ एक न्यूट्रल भी होता है। तो ये जो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन है, ये जो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करना, इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये हमारा जो एसिड है, ठीक है, ये जो एसिड है और ये जो बेस है, ये दोनों को मिला के हम लोग का एक नया चीज प्रोड्यूस होता है जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। और इन दोनों में ये जो सॉल्ट और वाटर, ये दोनों हमारा हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट, ये दोनों रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो इक्वेशन ऐसा होगा कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू हमारा सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल टू हमारा हीट इज इवल, जो है हीट जो मात्रा जो बढ़ता है। ठीक है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड वाटर, ये दोनों मिला के इसका जो है ये इक्वल होता है, ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ, ये जो बुझो है इसके जगह में तुम खुद के नाम ले लो। ठीक है, तुम जो हमारा पतले वाला डिल्यूट जो लिक्विड वाला सल्फरिक एसिड लेमन वाटर जो है, लेमन पानी, नींबू का पानी जो है, उसमें अगर हम डालेंगे तो उसका मिक्सचर में क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस होगा और कूल होगा, तुम लोग बताना है। ठीक है, तुम उससे ये सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं कि हमारा डे टू डे लाइफ में, हमारा जो एवरीडे लाइफ में ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ में इसे फेस करते हैं। पहला जो चीज है इंडाइजेशन, अजीर्ण जो होता है, इंडाइजेशन हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ अलग सी चीज़ हम लोग खा लेते हैं लेकिन हम लोग को डाइजेशन नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्टोमाच है, हमारे जो स्टोमाच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारे होता है। यस, तुम लोगों ने जो चैप्टर 2 में तुम लोग पढ़ा होगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हम लोग को फूड को डाइजेस्ट करने के में बहुत मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे भी बोला गया है कि तुम ये चैप्टर 2 में ये सब तुम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये जो एसिड है, एसिड बहुत
मात्रा में हो जाएगा, बहुत मात्रा में हो जाएगा, तो ये इससे हमारा इंडाइजेशन का क्रिएट हो जाता है। यह है मेन रीजन हमारा कि इंडाइजेशन होने की, और ये हम लोग को बहुत पेन देता है। कुछ लोग तो वॉमिटिंग भी करते हैं, ठीक है। और इसका सलूशन क्या है? बस एग्जैक्टली एसिड कम लो, कम कर लो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ एंटासिड लेते हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मैग्नेशिया से जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी लेते हैं, और ये जो है ये भारी मात्रा में हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड ये होता है। तुम लोग को ये भी देखा होगा कि जब हम इंडाइजेशन होता है तो कुछ हजमोला टाइप का, इस टाइप का कुछ लेते हैं। इसका नेचर भी, इसका जो इसके अंदर भी जो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोराइड है ये होता है। और इसके होने के बाद ऐसी ये कुछ हाइड्रोक्लोराइड बेस टाइप का होता है, तो इसलिए क्या होता है जो एसिड और कुछ इस बेस टाइप का मिला के कुछ हमारा जो इंडाइजेशन का मेन रीजन जो है जो हाइड्रोक्लोराइड जो है वो कम कर देता है। इसके हमारा डाइजेशन फिर से ठीक हो जाता है, इंडाइजेशन जो होता है, ठीक है। तुम लोग ये भी दिखा होगा जब भी हम लोग को चींटी हम लोग को काट लेता है, तो इसमें क्या होता कि चींटी क्या करता है, हम लोग को इस हमारा स्किन से, स्किन में हमारा जो एसिडिक जो लिक्विड है, एक फॉर्मेटिक एसिड जो होता है, ये हमारा इंजेक्ट कर देता है, ये हमारा अंदर छोड़ देता है जब भी वो चींटी काट लेता है। तो ये इफेक्ट ये होता है कि एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सोल्यूशन व्हिच कंटेन जिंक कार्बोनेट। इसलिए जब चींटी हम लोग को काटता है तो हमें बेकिंग सोडा जो है, जो जो कि हमारा बेस है, इसको लगा के हम लोग उसे नॉर्मल कर सकते हैं, इतना भी ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो एसिड बेस है ये हमारा इंसान के शरीर में भी ऐसा नहीं होता है, यह ये हमारा प्लांट जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं, हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं इसमें भी ये यूज होता है। जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉयल एसिडिक। अगर हम ज़मीन पे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो ये ज़मीन को एसिडिक कर देगा, जो कि हमारे जो प्लांट डू नॉट ग्रो, प्लांट और नहीं बढ़ेगा। इसलिए तुम दिखा होगा कि जब भी हम कुछ फर्टिलाइजर यूज करते हैं घर में हो या कुछ पेड़ पौधों में जब देते हैं तो कुछ थोड़ी सी मात्रा में ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा करने से ये हमारा मिट्टी को एसिडिक और बेसिक कर देगा और हमारा जो पेड़ पौधा जो है वो मर जाएगा। ऐसा होता है ना, तुम भी घर में जब देते हो कुछ टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, इसके जो पेड़ पौधे में जब भी तुम फर्टिलाइजर देते हो तो थोड़ा थोड़ा ही देते हो। तुम्हारा घर के लोग भी ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई ज़्यादा मत दो, ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर दोगे तो पेड़ इसका मर जाएगा। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो जमीन का जो एसिडिक और बेसिक ज़्यादा कर देता है, ऐसे स्पेशली मिट्टी को एसिडिक कर देता है, तो उसके कारण हमारा पौधा जो है वो मर जाता है। तो इसलिए व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेसेस लाइक क्विक लाइम। तो तुम लोग अगर पौधा में ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिया है, इसके हमारा निवारण के लिए तुम उससे हमारा जो क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, लाइम जो चूना, उसको यूज करके तुम इसे ठीक कर सकते हो। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर ज़्यादा हमारा बेसिक हो गया है, ज़्यादा खारा हो गया है, तो तुम हमारा
कुछ कंपोस्ट डाल के उसे नॉर्मल कर सकते हो, और बहुत सारे अगर नहीं के चीज़ है जो हमारा एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पेड़ पौधा के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, हमारा जो एसिड है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो हमारा शरीर में हो या प्लांट के प्रॉब्लम्स, ये जो एसिड और बेस के कारण होता है। हमारा जो फैक्ट्री वेस्ट जो आता है, फैक्ट्री वेस्ट जो आता है, ये इसमें भी एसिड होता है। जितने सारे हमारा बहुत सारे फैक्ट्री क्या करते हैं कि जो उसका जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज को बोर जाके पानी में डाल देते हैं। पास में जो नदियां होता है और कुछ समुंदर के पास भी उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है जो वेस्टेज से हमारा जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक के कारण ये बहुत सारे मछलियां और बहुत सारे ऐसे जो छोटा छोटा जो पानी में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, शायद वो प्लांट हो या फिर मछली जैसे हो, वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक समस्या, उसके हिसाब से उसके जो वेस्टेज जो है उसके हिसाब से भी वो लोग कुछ न्यूट्रलाइज करके वो उसे कुछ अलग चीज में यूज करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया, और तुम लोग को मैं ये अभी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में तुम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एसिड्स आर सर इन टेस्ट। एसिड जो होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है। और जनरली बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, और जो बेस होता है उसका टेस्ट कड़वा होता है। देन पॉइंट नंबर 2, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। सॉरी मैं गलत बोला, कि एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और बेस जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। देन सब्सटेंस व्हिच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो चीज हमारा बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है, तो इससे हम न्यूट्रल बोलेंगे। देन चौथा पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। हमारा जो सब्सटेंस शो डिफरेंट कलर इन एसिड, जो एसिड और बेसिक में जो न्यूट्रल जो होता है, जो चीज हम लोग को ये बता देता है कि ये न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इंडिकेटर, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर अदर एंड फॉर्म ए सॉल्ट। आई मीन ईच अदर, जो हमारा बेस और एसिड दोनों वापस में मिल के एक नया चीज फॉर्म क्रिएट करता है, जो आज हम क्लास में डिस्कशन किए, तो वो होता है सॉल्ट। और सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट हमेशा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम इस चैप्टर में हम लोग सीखे। तो मैं तुम लोग को ये एक्सरसाइज करने के लिए बोलूँगा, और एक्सरसाइज करके व्हाट्सअप मुझे कर देना, मेरा जो नंबर है 9938545805 में। और कुछ एक्सरसाइज ही नहीं, अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो तुम बिना हिचकिचाके, बिना फीलिंग्स रख के तुम लोग उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं फ्री हो तो मैं तुम्हारा सॉल्यूशन बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है।
और मोर डिस्कशन के लिए तुम लोग इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो जो है तुम जब भी मैं पोस्ट करूँ और तुम्हारे पास डायरेक्टली पहुँच जाए, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।